हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल रीड डिजाइंस में। आज मैं आपको दिखाऊंगी बेल स्लीव का एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन, जिसे मैं प्रिंटेड कुर्ती के ऊपर रेडी करूंगी विद लेस। तो अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं अपने डिजाइंस की अच्छी अच्छी पिक्स डालती रहती हूँ। तो चलिए हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बेल स्लीव की कटिंग दिखा देती हूँ। आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपनी कटिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो ऐसे मैंने अपना जो फैब्रिक है कुर्ती का वो लिया है, उसको इस तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। आप ये देख लीजिए, फोल्ड करने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास चेस्ट का साइज कितना है। तो हमारे पास यहाँ पे चेस्ट का साइज है 37 इंच। 37 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 या 7.5 के बराबर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे आर्म होल के लिए चाहिए 7 या 7.5, यानी इस तरीके से मैं 7.5 पे ऐसे मार्क कर दूंगी। तो हमारे पास इतना ये एक्स्ट्रा मार्जिन है आर्म होल के बाद भी, तो इतना चाहिए ही हमें, क्योंकि बेल स्लीव के लिए भी हमें थोड़ा सा फ्लेयर चाहिए होता है। तो अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे ऊपर से लगभग 3 इंच पे। इस तरीके से हमने ऊपर से 3 इंच पे मार्क कर देना है आर्म होल की कटिंग के लिए। इस तरीके से यहां से हमारी जो स्लीव की शेप आती है ऊपर की तरफ से। तो अब हम इधर से अपनी लेंथ भी मार्क कर लेते हैं। लेंथ हमें चाहिए लगभग 18 इंच, तो हम यहाँ पे 19 कट करेंगे। 19 इसलिए क्योंकि यहाँ पे दबाव में भी आता है फैब्रिक, इसलिए हम यहाँ पे 19 पे मार्क कर रहे हैं। इस तरीके से हमने 19 को मार्क कर दिया है। अब हमें यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि हमें 7.5 चाहिए। अब यहां से हम क्या करेंगे, इधर को हमने शेप देनी है। चाहे आप इधर से ले लीजिए ऐसे घुमाते हुए हाथों को, इस तरीके से आपने यहां तक गोलाई में शेप देनी है, ऊपर तक, यहां से ऊपर तक देनी होती है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे शेप दे दूंगी। तो अब हम यहां से जितनी हमें बेल स्लीव के बाद बेल स्लीव के लिए शेप देनी है, पहले उसको मार्क कर लेते हैं। लगभग हमारी जो बेल स्लीव की शेप है वो 14 इंचेस से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 14 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से 5.5, क्योंकि ये बेल स्लीव है थोड़ी लूज लूज ही आती है। अब यहां से हम इसको भी शेप देते हुए थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। बाकी आपको जितनी शेप देनी है आप उतनी दे सकते हैं, अगर आपने ज्यादा लेनी है तो आप ज्यादा भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, ऊपर से मैंने 14 इंचेस लिया है। 14 इंचेस इसलिए क्योंकि 14 के बाद ही हमारी बेल स्लीव की फ्लेयर आती है। तो अब मैंने यहाँ पे मोरी मार्क की है, यानी कि 14 इंचेस तक हमारी फिटिंग में आएगी, उसके बाद हमारी बेल स्लीव हो जाएगी। तो अब हम इस वाले मार्क को इससे मिला देंगे ऐसे, इस तरीके से हमें इसमें इसको मिला देना है। अब यहां से हम अपना एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं जितना मैंने आपको बताया है। अब यहां पे हमारी बेल स्लीव है तो हमारे यहां से कटिंग जो है हमारी इस तरह से चली जाएगी, यहां से एक्स्ट्रा मार्जिन भी हमारा। तो ये होगी हमारी बेल स्लीव की मार्किंग। अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ ही इसको कट कर लेंगे। यहाँ नीचे आप सोच रहे होंगे मैंने मार्जिन कम लिया है, क्योंकि बेल स्लीव में हमें नीचे की तरफ मार्जिन नहीं दिखाना होता है, फ्लेयर में सिर्फ ऊपर ऊपर हमें मार्जिन चाहिए, ये तो नीचे से लूज ही होता है, इसलिए मैंने कम मार्जिन लिया है यहाँ पे। तो ये होगी हमारी बेल स्लीव की कटिंग। मैंने इसके नीचे यहाँ पे फ्लेयर पे लेस लगानी है, वो मैं ये वाली लेस यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें ऑफ व्हाइट का कंट्रास्ट देना है मुझे, ये देखिए। तो इसलिए मैं क्रीम कलर की ये लेस यूज कर रही हूँ। मैंने इसके ऊपर एक बॉब भी लगाना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो सबसे पहले हम नीचे की तरफ मोरी पे लेस जो लगानी है वो लगा लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे, मेरी स्लीव की उल्टी साइड है, मैं मोरी को फोल्ड करने जा रही हूँ। पहले सबसे पहले हम यहाँ पे पहले इतना फोल्ड करेंगे एक साइड को। तो पहले हम बारीक सा फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा राउंड में कटा है इसलिए डबल फोल्ड से इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। सबसे पहले हम ऐसे सिंगल सिलाई, उसके बाद हम इसको ऐसे डबल फोल्ड करके यहाँ पे किनारे की सिलाई।
तो ऐसे मैंने इसको सिंगल फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको डबल फोल्ड करने जा रही हूँ, तो यहां से ही मैं किनारी से इसको डबल फोल्ड करूंगी। ऐसे डबल फोल्ड करने से इसमें फिनिशिंग ज्यादा आती है। तो ये देखिए ऐसे मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया और कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है आप देख सकते हैं पीछे से भी, और ये देखिए आगे से भी कितना अच्छा लग रहा है हमें। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे लेस। तो ऐसे ही मैंने स्लीव को उल्टा ही करके रखा है और इस तरीके से मैं लेस को किनारे पे रखते हुए यहाँ पे लेस के किनारे किनारे सिलाई लगा दूंगी। तो ध्यान में रखें आप लेस को भी उल्टी साइड ही करके रखें लेस की भी, तो यानी कि जो सीधी साइड है वो सीधी साइड की तरफ ही आए। तो ऐसे हमने लेस और स्लीव के बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है ताकि हमारी जब लेस लगी हो तो अच्छी लगे और फिनिशिंग के साथ लगे इस तरीके से। तो ऐसे मैंने किनारे की सिलाई के साथ लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम सीधा करके देखते हैं। तो ये देखिए सीधी साइड भी हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, बिल्कुल किनारी पे सिलाई है ये हमारी। तो अब मैंने यहाँ पे इसके लगभग सेंटर में यहाँ पे नीचे से 6 या 7 इंच छोड़ के हम यहाँ पे बो लगाएंगे, वो भी मैं आपको अभी दिखाती हूँ कैसे लगानी है। तो बो के लिए मैंने ये फैब्रिक कट किया है, ये प्लाजो का फैब्रिक है, मैं इसका कंट्रास्ट दे रही हूँ अपनी स्लीव के ऊपर। तो बो के लिए ये जो चौड़ा फैब्रिक मैंने कट किया है लगभग 3.5 इंच चौड़ा है, आप देख सकते हैं। लंबा भी दिखा देती हूँ ये हमारा फैब्रिक कितना लंबा है, लगभग मैंने 30 इंच का लंबा फैब्रिक लिया है। तो इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए 30-31 इंच हमारा लगभग ये फैब्रिक लंबा है। तो ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लेना है इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई लगानी अपनी शुरू करनी है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान में रखिए जो सीधी साइड है वो हमारी अंदर की तरफ आनी चाहिए और उल्टी साइड बाहर की तरफ। आप यहां से बीच में से 1 या 1.5 इंच छोड़ दे, गैप दे, ताकि हम इसमें से पलट सके इसको। तो यहां से बीच में से मैंने लगभग 1 या 1.5 इंच छोड़ा है ताकि हम इसको फ्लिप कर सके इजीली। तो यहां से मैंने ऐसे सीधी सीधी सिलाई लगा ली है, मैंने ये 1 या 1.5 इंच छोड़ा है। अब हम यहां से सिलाई लगाएंगे, लेकिन हमने ऐसे सिलाई नहीं लगानी है बिल्कुल सीधी। अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से करके ऐसे यहां से ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे हमने यहां पे सिलाई लगा ली है, सेम इसी तरीके से हम इधर भी सिलाई लगा लेंगे ऐसे ही खोल के, और ये जो सिलाई है हमारी बिल्कुल सेंटर में आएगी। तो ये ऐसे सिलाई लगा देंगे इसकी, दोनों सिलाइयां लगा ली है दोनों तरफ से। अब मैं इसको फ्लिप करूंगी, तो फ्लिप हम उसी तरीके से जो मैंने यहां से छोड़ा था तो वहां से हम इसको फ्लिप करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हमें इसको फ्लिप करना है, किसी भी पिन से या सिलाई से आप निकाल सकते हैं इसको, फ्लिप कर सकते हैं। तो ऐसे हमने एक तरफ से इसको फ्लिप कर लिया है, यहां से ऐसे हम फैब्रिक को निकाल लेंगे। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते हम इसको फ्लिप कर लेंगे। तो एक तरफ से हमारा ये जो बो का फैब्रिक है वो फ्लिप हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ से भी सेम उसी तरीके से फ्लिप करेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ से हमारा ये जो फैब्रिक है वो फ्लिप हो चुका है, लेकिन अब हमने इसके कोने निकालने हैं। तो कोनों पे हम जाने के लिए एक सिलाई का प्रयोग कर रहे हैं इस तरीके से, हम इसके कोने जो है वो अच्छे से निकाल देंगे बाहर की तरफ ऐसे। एक तरफ से तो हमारे निकल चुके हैं, अब हम दूसरी तरफ से भी। तो ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से कोने निकाल लेने हैं। तो ये देखिए
अब हम यहाँ से सिलाई लगा देंगे, लेकिन यहाँ से सिलाई हम ऊपर से ही लगाएंगे क्योंकि नीचे अंदर से हम लगा नहीं सकते, इसीलिए इस तरीके से हम यहाँ पे किनारे की सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी जो पट्टी है वो बन चुकी है, अब हम इसको आयन कर लेंगे अच्छे से, लेकिन आयन करना हमने इस तरीके से है। ये जो सिलाई है हमारी बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए, सेंटर में जब आएगी तभी ज्यादा फिनिशिंग आएगी हमारे बो के बीच में। तो इसको अच्छे से आयन कर लेते हैं। तो ऐसे हमने इसको आयन कर लिया है अच्छे से, अब हम क्या करेंगे इसको इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे, तो हमारे पास ये सेंटर में आ जाएगा। अब हम यहां से ऐसे लेंगे अपने, ये जो आपकी नीचे वाली साइड है ये बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, आप चेक कर लीजिए, यहां से उठाइए और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ, थोड़ा अगर हमें लंबा करना है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर वाले बो को छोटा कर सकते हैं, और यहाँ पे लगा लेंगे हम सिलाई। तो ऐसे हमने बो के बिल्कुल सेंटर में ऐसे सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमारा ये बो बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको स्लीव के ऊपर स्टिच करूंगी, तो मैंने आपको बताया था नीचे से लगभग 6 या 7 इंच मैं लूंगी, तो मैं 6 इंच ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ज़्यादा ऊपर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ इस तरीके से, मैंने 6 इंच ऊपर मार्क करके इसको स्टिच कर लेना है। सेम उसी सिलाई के ऊपर ही मैं सिलाई चलाऊंगी जो मैंने सेंटर में लगाई थी बो के। तो इस तरीके से हमारा जो बो है स्लीव के बिल्कुल स्लीव में स्टिच हो चुका है। अब मैं ऐसे स्लीव को फिटिंग की सिलाई लगा दूंगी। तो ये देखिए बो के साथ हमारी स्लीव रेडी होके कितनी अच्छी लग रही है, और ये मैंने अपनी कुर्ती पे भी स्टिच कर ली है। तो ये मैंने इसके ऊपर नेक डिज़ाइन बनाया है पिंटेक्स वाला, ये मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया हुआ है आपको, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं या ऊपर आई बटन प्रेस करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर बटन्स लगाने हैं, मैं पर्ल वाले बटन इसके ऊपर लगा रही हूँ। मैंने बो पे भी एक सेंटर में बटन देना है इस तरीके से ऐसे, और जो नेक डिज़ाइन है उसकी कुर्ता पट्टी पे भी मैं ऐसे ही बटन दूंगी, ये वाले यहाँ पे स्टिच कर लूँगी। तो ऐसे हमारी प्रिंटेड कुर्ती विद वेल स्लीव्स एंड लेस के साथ कितनी ब्यूटीफुल रेडी हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल।